نار الصلوان اللهم صل على बेचारा
रब पाले نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عباس نے خود وفا کرتی ہے اب سجدہ درے عباس پر معجزہ یہ پیاس کا دیکھا درے عباس پر کیا خبر کتنی ہے عظمت اس در عباس کی
क्या खबर कितनी है अजमत इस दरे अब्बास की, बांटती है नेमत जहरा दरे मातम करूं। यूं दरे अब्बास पर जंजीर का मातम करूं, हाथ कट कर के परे मेरा दरे अब्बास पर मौजिज़ा ये प्यार जैसे नहरे अल कमा, नज्ब है एक ऐसा मश्के सादरे अब्बास पर मौजिज़ा ये प्यास का देखा दरे अब्बास पर सर शेर सलाम के देख
हुसैनाता जब हराम मिला ऐसी
अर्श के मानिंद हमारे हो मसनद नूर की किसरा की वो प्यारी हो गए ना सब तोहफा तो पोषा भी भारी हो बैरक नूर के हाथों में कुशादा हो सकीना को बिठाए हो कांधे से असगर नादा को लगाए हो चांद के टुकड़े को दामन से छुपाए हो दोनों पर गोशे चादर को उड़ाए हो ये न मालूम था वारिस नहीं असगर भी मसनद का बुरका नहीं चादर भी जबरा चलाए सिरी के बराबरा हा कया उसको की चौगिर्द तो यावर हो बीच में लश्कर इस्लाम हमके सरवर हो संभाले अली अकबर हो वहाँ न परदाता न महमिल दिन ज़ेबाए सरे शब्बीर के हमरा बहनाए जब हराम के लाए सिर बरा बरा कहते थे कासिम कुबरा की हुए भतीजा दुल्हना कज़ा दूंगी ब्याह की मैं नजरे मुबारकबाद ये न मालूम था शादी में हुई बर्बाद ये न मालूम था शादी में हुई बर्बाद गूंगा टुलटा जो दुल्हन ने ये तमाशा दे गया इन्ना
दिल के बड़ा बड़ा दिल का बाबा है अली शेर खुदा वो है जिसका जग फख्र रसूला ने खुदा वो है जिसका भाई है हसन सबसे कबा वो है जिसने तक ही पाई थी हजरत मजलिस का बाकायदा आगाज सुस्खानी से हो चुका है। जो हजरत आवाज़ सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वज़ा खाने में तशरीफ़ लाएँ। मजलिस का बाकायदा तरीके से आगाज़ हो चुका है। चंद शोराए कराम हैं जो बारगाह इमाम में मंज़ूम नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। उसके बाद हमारे और आपके मेहमान ख़तीब जनाब डॉक्टर सादे जनाब डॉक्टर काजिम मेहदी साहब कबिल अरूज साहब जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं तशरीफ़ फरमा हैं उनका बयान होगा। जो हजरात अभी भी बाहर तशरीफ़ फरमा उनसे गुजारिश है अंदर तशरीफ़ लाएँ। एक ऐलान समात फरमा लें हजरात। चार अप्रैल एतवार 10 बजे दिन में इसी अज़ा खाने में मरहूम सैयद शब्बीर हसन जैदी जेडी मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस रखी गई है। इस मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे आली जना मौलाना जिनाद असगर मौलाई साहब कबिला दिल्ली। आप हजरात से इस मजलिस में शिरकत की गुजारिश है। 4 अप्रैल एतवार 10 बजे दिन मैं मुल्तमिस हूँ अपने एक मेहमान शायर जनाब मोहम्मद हादी साहब जो मुजफ्फर नगर से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे गुजारिश गुजार हूँ कि वो आएँ बारगाह इमाम में मंज़ूम नजराना अक़ीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ दिया हज़रात। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे पेश करता हूँ। करबो बला तुझसे मेरा प्यार अलग है। करबो बला तुझसे मेरा प्यार अलग है। तू जिसकी जमी है वो जमींदार अलग है। तू जिसकी जमी है वो जमींदार अलग है। दो माओ के बेटे हैं मगर कौन कहेगा। दो माओ के बेटे हैं मगर कौन कहेगा। अब्बास का शब्बीर से इसार अलग है। अब्बास का शब्बीर से इसार अलग है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
چند اشعار مرزا دبیر صاحب کا ایک سلام ہے اس کے میں پیش کرتا ہوں. نازک ہے لیکن یہاں کی سماعت ماشاءاللہ اللہ آپ سب پہ اپنا رحم نازل کرے. تو نازک مصرے ہیں, دیجیے گا سلوات کا ایک سہارا دیں. اللہم صل علی محمد. ثنا مرتضی ہے اور میں ہوں, ثنا مرتضی ہے اور میں ہوں, یہی مشغلہ ہے اور میں ہوں. نبی کہتے تھے حیدر تمہارا, نبی کہتے تھے حیدر تمہارا, شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں. زندہ باد بھائی, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں آپ سب کی سماعتوں کو سلامت رکھے. زندہ باد. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں, فرشتوں قبر میں آہستہ بولو, فرشتوں قبر میں آہستہ بولو, یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں, یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں. صفے دشمن سے ہر نکلا یہ کہہ کر, صفے دشمن سے ہر نکلا یہ کہہ کر, فقط راہ خدا ہے اور میں ہوں, فقط راہ خدا ہے اور میں ہوں. وطن میں حال سغرا جس نے پوچھا, وطن میں حال سغرا جس نے پوچھا, کہا آہ و بکا ہے اور میں ہوں. سفر میں آ گئی شام غریباں, سفر میں آ گئی شام غریباں, لئینوں کی جا
दफा है और मैं हूँ सनाए मुर्तजा है और मैं हूँ। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। हजरत दिए थे जनाब मोहम्मद नजफी साहब, बहुत ही अच्छे कलाम आप हजरत को सुनाते, आप हजरत महसूस हो रहे थे। जैसा कि मुंतजमीन ने मुझसे कहा है कि थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए, बहुत कम ऐसा होता है कि इजाफा किया जाए, वरना हम लोग खुद वक्त के पाबंद हैं, वक्त में प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। लेकिन उनका हुक्म है कि एक शायर को और इजाफा कर दिया जाए। मैं गुजारिश गुजारूँ जनाब मेहंदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं। मेहंदी जैदी साहब, सलवात पढ़ दिया हजरत। आ जाइए, पढ़ दिए, एक कथा पढ़ दीजिए। बना कर अपने एक एक लफ्ज़ को तर वार ज़ैनब ने, बना कर अपने एक एक लफ्ज़ को तर वार ज़ैनब ने, उलट कर रख दिया एक खुत बेसे दरबार ज़ैनब ने, उलट कर रख दिया एक खुत बेसे दरबार ज़ैनब ने, क़यामत तक उठा सकते नहीं सर जुल्म के बानी, क़यामत तक उठा सकते नहीं सर जुल्म के बानी, जहाँ ने जुल्म पर ऐसा किया है वार ज़ैनब ने, क़यामत तक उठा सकते नहीं सर जुल्म के बानी, जहाँ ने जुल्म पर ऐसा किया है वार ज़ैनब ने। जी तो जनाब मेहंदी जैदी साहब, एक सलवात पढ़ दें हज़रात, चंदा शार में पेश कर दूँ। साथ ही साथ एक ऐलान और समात फरमा लें हज़रात। जैसा कि मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ कि 20 फरवरी इसी अज़ा खाने में शब में 8 बजे एक तरही महफिल मकासदा जश्न मौज़िन करबला के अनवान से मुनक़द किया जा रहा है। ये तीसरा दौर है, अब आप हजरात का बाकायदा तरीके से ताउन रहता है, शिरकत रहती है, यही सबसे बड़ा ताउन है। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ सभी हजरात से, जो भी मोमिनीन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि इस महफिल में शिरकत करें और हम सबकी हौसला अफजाई करें, जिसमें हिंदुस्तान के मायाना शोराए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि इस महफिल में सिर्फ और सिर्फ बैरूनी शोरा ही कलाम पेश करते हैं, लिहाजा इस बात का भी आप हजरात ख्याल रखें। एक बार बाबा से बुलंद सलवात पढ़ने आप हजरात। माँ के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ। माँ की अज़मत से बगावत जो किसी सूरत करे,
समाप्त करें। माँ की अज़मत से बगावत जो किसी सूरत करे उसको ये हक ही नहीं के ख्वाहिशे जन्नत करे, उसको ये हक ही नहीं के ख्वाहिशे जन्नत करे। माँ की अजमत से बगावत जो किसी सूरत करे उसको ये हक ही नहीं के ख्वाहिशे जन्नत करे। होती है आसान उसी के वास्ते राहे नजात, माँ की ख्वाहिश के मुताबिक माँ की जो खिदमत करे, माँ की ख्वाहिश के मुताबिक माँ की जो खिदमत करे, माँ की ख्वाहिश के मुताबिक माँ की जो खिदमत करे। एक सलवात पढ़ दें आप हजरात। एक मतलब चंद अशार और समाप्त कर लें हजरात। बतौर खास ये मतलब चंद अशार हैं शहजादी जनाब फातिमा सलाम अलैहा के हवाले से कलाम है और उन्हीं के बहरहाल ये अय्याम भी चल रहे हैं। समाप्त कर लें बतौर खास, खास तौर से इस कलाम का इंतखाब किया है। देख कर शाने अता शाने फिदाकारी तेरी, समाप्त करें बतौर खास। देख कर शाने अता शान फिदाकारी तेरी, आयतों ने की खुले दिल से तरफदारी तेरी, आयतों ने की खुले दिल से तरफदारी तेरी। बीबी का मकाम जहन में रखें। समाप्त करें शेर बतौर खास। कि वारिसे खैरुल बशर है और खुद खैरुन निसा, वारिसे वारिसे खैरुल बशर है और खुद खैरुन निसा, दोनों रुख से कायम दायम है सरदारी तेरी, दोनों रुख से कायम दायम है सरदारी तेरी। और शेर समाप्त करें बतौर खास। कि बेटे सरदारे जना है और शौहर बूतोरा, बतौर खास समाप्त करें बतौर खास। बेटे बेटे सरदारे जना है और शौहर बूतोरा, है जमी ताबा फलक सारी जमींदारी तेरी, है जमी ताबा फलक सारी जमींदारी तेरी, है जमी ताबा फलक सारी जमींदारी तेरी। अब बतौर खास ये भी शेर समाप्त कर लें।
एक पैगाम इस शेर के ज़रिए दे रहा हूँ, समाप्त करें बतौर ख़ास शहज़ादी की अज़मत, कि तेरी अज़मत जानते पहचानते थे मुस्तफ़ा। बतौर ख़ास समाप्त करने है शेर, तेरी अजीमत जानते पहचानते थे मुस्तफ़ा, बेसबब करते नहीं थे नाज बर्दारी तेरी, बेसबब करते नहीं थे नाज बर्दारी तेरी, बेसबब करते नहीं थे नाज बर्दारी तेरी। अब बस दो शेर की ज़हमत है, समाप्त कर लें। ख़ास तौर से ये शेर बड़ा मेरा पसंदीदा शेर है, बड़ा नसीहती शेर है, समाप्त कर लें बतौर ख़ास, कि जीते जी सर से सरकने दीना तूने वो रेदा। दूसरा मिसरा समाप्त करने वाले नजर तशरीफ फरमा है, कि जीत जी सर से सरकने दीना तूने वो रेदा, जिसके पैबंदों से वाबस्ता थी खुदारी तेरी, जिसके पैबंदों से वाबस्ता थी खुदारी तेरी, जीत जीत सर से सरकने दीना तूने वो रेदा, जिसके पैबंदों से वाबस्ता थी खुदारी तेरी। अब बस ये आखिरी शेर बतौर ख़ास समाप्त कर लें, एक पैगाम इस शेर के ज़रिए है, कि पसलियाँ टूटी मगर छूटी नहीं कोई नमाज। पैगाम है शहज़ादी ने दिया, समाप्त कर लें, पसलियाँ टूटी मगर छूटी नहीं कोई नमाज, दिल शिकस्ता कर न पाई तुझको बीमारी तेरी, दिल शिकस्ता कर न पाई तुझको बीमारी तेरी। सलवात पढ़ने बाबा से बुलंद हज़रात, जो हज़रात अभी भी बाहर तशरीफ़ फरमाएं उनसे गुजारिश है अंदर तशरीफ़ लाएं, और जो हज़रात थोड़ा पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है और आगे तशरीफ़ लाएं, ताकि बाद में आने वालों के लिए किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। अब मैं बड़े अदब एहतराम के साथ अपने मेहमान खतीब डॉक्टर सैयद काजिम मेहंदी क़िबला उरूस साहब से गुजारिश गुजार हूँ कि वो ज़ेर फ़िरोज़ मेंबर हों। बाबा से भला नारा सलवात से आप हज़रात मौलाना का इस्तक़बाल करें। رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات پڑھنا ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام سلم ام فروہ صاحبہ بنت سید محمد مسلم صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دوں صلوات پڑھ لے محمد و علی محمد حضرت محترم موضوع مجلس ایک شریک حیات ایک ماں کے ایصال ثواب کی ہے اور یہ دن پہلی جماعت الثانی سے لے کے اور 20 جماعت الثانی تک میرا اپنا طریقہ ہے کہ میں معصوم عالم ہی کا ذکر کیا کرتا ہوں اب ان دونوں باتوں کے تناظر میں میں نے ان سورہ کوثر کو عنوان کلام قرار دیا ہے اور میری کوشش رہے گی کہ جو مزاج ایصال ثواب ہے وہ گفتگو بھی ہو جائے اور جو فضیلت حق زہرا کا حق ہے وہ بھی ادا ہو جائے ایک صلوات پڑھیں محمد والے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا اعطینا کل کوثر میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا یہی ترجمہ ہوتا ہے محفوظ رکھیے گا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا فصلی لربک وانحر تو آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نمازیں پڑھیے اور قربانیاں پیش کیجیے انا شانیک ہو الابتر اور میرے حبیب آپ کو ابتر کہنے والا خود ابتر ہے یہ ترجمہ ہے اور یہ سورہ بھی ماشاءاللہ بڑا مشہور سورہ ہے کہ جو تقریباً تمام مومنین کو یاد ہے یاد ہونے کی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزانہ پانچ وقت کی نمازوں میں تین بار تو یہ سورہ پڑھی جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ تین بار کم از کم تو اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو یہ سورہ یاد ہوگا پڑھنے کی وجہ کہیں نہ کہیں لاشعور میں یہ پڑی ہوئی ہے کہ سورہ چھوٹا ہے نماز جلدی ہو جائے گی کہیں نہ کہیں لاشعور میں
ये बात है कि सूरज छोटा है, नमाज जल्दी हो जाएगी। अच्छा ये है क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ, दूसरों के यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ये कानून है कि पंजगाना नमाज में सूरह हम्द के बाद एक मुकम्मल सूरा पढ़ना है। जब तक सूरा मुकम्मल ना पढ़ा जाए वो रकात रकत नहीं होती। तो सूरह बकरा तो कोई पढ़ने से रहा, भाई मुकम्मल सूरा पढ़ना है, और अगर जल्दी में अलिफ लाम मीम को हाथ लगा दिया तो फिर तो नमाज ज़ुहर से नमाज फजर मिल जाएगी। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सूरह कौसर पढ़ने में फायदा यही है कि सूरह का सूरा है और छोटे का छोटा है, तो पढ़ लिया तो नमाज भी हो गई और जल्दी भी हो गई। मगर मेरी गुजारिश यही से है आपसे कि सूरह को जरूर पढ़िए, मगर खुदा के लिए छोटा समझ के मत पढ़िए। पढ़ इस सूरह को जरूर पढ़िए मगर खुदा के लिए इसे छोटा समझ के ना पढ़िए, इसलिए कि ये छोटे कद का बड़ा सूरा है। ये छोटे कद का यानी आयतों के एतबार से ये छोटे कद का बड़ा सूरा है, और अगर सूरा बड़ा ना होता तो बड़े बड़े कसायद के मुकाबले में ये सूरा पेश ना किया जाता। और जो एक सलावत पढ़े सबात मुअल्लका छह बड़े बड़े कसीदे, और उसके मुकाबले में अल्लाह ने यह छोटा सूरा पेश करके ये बताया कि इसका कद बड़ा है। और यह कद बड़ा क्यों ना हो? इसलिए कि यह सूरा इसकी मिसदाक मासूम आलम है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि मेरे हबीब हमने आपको, फिर वही तर्जुमा कर रहा हूँ, कौसर अता किया। फसल ले ले रबी का वनहर, तो आप नमाजें पढ़िए अल्लाह की बारगाह में और कुर्बानियाँ पेश कीजिए। इन्ना शानिया का हो अलबतर, अब मेरे हबीब जिसने आपको अबतर कहा है, मख्तून नस्ल कहा है, बेनामो निशान और बेयादगार कहा है, वो खुद बेनामो निशान है। मकाम फिक्र ये है कि हम सैकड़ों बार इस सूरह को पढ़ चुके, कोई कैफियत हमारे दिल पे तारी होती है? नहीं होती है। इन्ना शाने का हो अब तक सैकड़ों बार, अब तक जिंदगी में हजार बार पढ़ चुके, कोई कैफियत अपने दिल पे तारी होती है? नहीं होती। इसलिए कि हम इस लफ्ज की संगीनी से आशना नहीं है। वो नबी के जिसे दीवाना कहा गया मगर नबी की आंखों में आंसू नहीं आए। देखिए किसी इंटेलेक्चुअल को अपने वक्त के जहीन तरीन, फहीम तरीन, अजीम तरीन इंसान को पागल कह दिया जाए, इससे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाली कोई बात है? मगर दीवाना भी कहा गया और पत्थर भी मारे गए मगर नबी की आंखों में आंसू नहीं आए। जादूगर कहा गया, नबी की आंखों में आंसू नहीं आए। रोजाना दिन भर का कूड़ा जमा करके धुले धुलाए नबी पर, नहाए धोए नबी पर, वो पूरा कूड़ा डाल देती थी, नबी कूड़े से नहा जाते थे, मगर नबी की आंखों में आंसू नहीं आए। और नबी ने रास्ता भी नहीं बदला, रोज उसी नहाने के लिए कूड़े से चले जा रहे हैं। नबी आजिज नहीं आए, देखने वाले काफिर आजिज आ गए। आजू बाजू के रहने वाले, अगल बगल के काफिर, उन्होंने कह दिया या रसूल अल्लाह आप रास्ता बदल दीजिए, ये बुढ़िया मानेगी नहीं। ये
जिद्दी है ये मानेगी नहीं। देखिए उन्होंने या रसूल्ला नहीं कहा था, उन्होंने लिया था नाम, मैं नाम नहीं लेता नबी का बराह रास्त। तवज्जो है, आप रास्ता बदल दीजिए, मगर नबी ने रास्ता नहीं बदला, उसी रास्ते से गए। गोया नबी ने अमली पैगाम दिया कि हम रास्ता बदलने नहीं, रास्ता बदलवाने आए हैं। मैं बात पहुंचनी चाहिए, और जब तक नबी ने उसका रास्ता बदलवा ना लिया, रास्ता नहीं बदला। जब तक उसे मुसलमान न कर लिया, नबी उसी रास्ते से गए। इतनी बार कूड़े फेंके गए, मगर नबी की आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन जैसे ही काफिर ने नबी को अबतर कह दिया, नबी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ये लफ्ज सुना नबी ने, नबी की आंखों में आंसू आ गए। नबी रास्ते से पलट गए, घर गए, घर का दरवाजा बंद कर लिया। सूरह कौसर नाजिल हुआ, मेरे हबीब आप उसके अबतर कहने से, उसके अबतर कहने से आप दीदा हो गए, रोने लगे, आंसू आ गए। हमने तो आपको कौसर दिया है, हमने तो आपको कौसर अता किया है। अब जुमला पहुंचे तो मैं अर्ज करूं कि नबी को लफ्ज़े कौसर ने इतनी तस्कीन दे दी कि लड़खड़ाते हुए इस्लाम को नबी ने खदीर तक पहुंचा दिया। आए, एक सलावत पढ़े बाबा। नबी पर आजम हो गए, पुरजोश हो गए, सिर्फ अल कौसर की तस्कीन से। मकाम तवज्जो है, मगर अल्लाह ने क्या दिया और नबी ने क्या पाया, इससे काफिरों को कोई परेशानी हो सकती है? नहीं। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह ने अल कौसर दिया, नबी ने पाया। अल्लाह जाने देने वाला, पाने वाला, नबी जाने। काफिर को काहे की परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। नबी यूं भी नमाज पढ़ते थे हरम में, अगर दो चार रकत नमाज बढ़ा देंगे तो काफिर को क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। नबी की जमीन पर तशरीफ लाने से लेके अब तक कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं। नबी और कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में बढ़ा देंगे, काफिर को कोई परेशानी है? नहीं। कुर्बानी नबी दे, अल्लाह ले, अलकौसर अल्लाह दे, नबी ले, काफिर को क्या परेशानी है? काफिर को कोई परेशानी नहीं थी, मगर परेशानी का बाइस है ये तीसरी आयत। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। परेशानी का बाइस है काफिर की तो ये तीसरी आयत है, इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसलिए अब मैं एक किताब पूरी एक जुमले में देके आगे बढ़ूंगा, तशरीह नहीं करूंगा। काफिर ने ये देखा कि नबी के घर और आंगन में न कोई कली है, न कोई फूल है, नबी के घर और आंगन में न कोई कली है, न कोई फूल है, और इनके घर और आंगन हलाल और हराम बेटों से भरे हुए हैं। भाई तवज्जो है, बेटों से भरे हुए हैं, फिर भी कुरान कह रहा है इन्ना शानिया का हुआ लबतर के मख्तून नस्ल काफिर है। अब कुरान के इस दावे के बाद काफिर को एतराफ करना पड़ा, मा हाजा कलामुल बशर, ये बंदे का कलाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इतना बड़ा दावा वही करे जो मुख्तार मौत और हयात हो। हाय हाय, एक सलावत पढ़े बाबा।
यहीं से मकाम तवज्जो में ये जुमला है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सूरे को जरूर पढ़िए। मैंने कहा ना, मैं छोटा समझ के मत पढ़िए, बड़ा समझ के, इसलिए कि यही वो सूरा है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, यही वो सूरा है कि जो आज कुरान के मोजजा होने की दलील है। तवज्जो, यही वो सूरा है कि जो आज कुरान के मोजजा होने की खुली हुई और वाज़ह दलील है कि आप पढ़े इन्ना शानिया का हुआ लबतर, और ये दलील बनेगी मौजजा होने की 1400 बरस पहले। तवज्जो, 1400 बरस पहले कुरान में एक घर के लिए कहा था कि इसे मैंने नस्ले कसीर अल कौसर दिया है, और सैकड़ों घरों के लिए कहा था कि ये मख्तून नस्ल है, इनकी नस्ले नहीं बढ़ेंगी। उन घरों के लिए जहां बेटे ही बेटे थे, बेटे ही बेटे, इसलिए कह रहा हूं कि ये बेटियों को तो कत्ल कर देते थे, तो जहां बेटे ही बेटे थे उसे कुरान ने कहा मख्तून नस्ल है। 1400 बरस पहले, आज 1400 बरस बाद उठा के देखिए कोई है जो कहे मैं अबू जहल की नस्ल से हूं, मैं अबू लहब की नस्ल से हूं, मैं अतबा की नस्ल से हूं, मैं उतैबा की नस्ल से हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला, मैं तवज्जो है, कोई है कि जो ये कहे? नहीं, उनके शजरे नहीं मिलते, उनके शजरे नहीं मिलते। अब समझ में आया कि बुजुर्गों ने सादात के शजरे लिखवाए क्यों? असल में ये शजरा नहीं है, ताने अबतर का जवाब है। हाय, तवज्जो है, सलावत पढ़े मोहम्मद। अजीजो, ये कौसर जिसे कहते हैं ना, इन्ना आतैना कल कौसर, तर्जुमा करते हैं कि बेशक हमने आपको कौसर अता किया। मैं 2-3 बार यही तर्जुमा दोहराया, 2 बार एक मखसूस लफ्ज इख्तियार किया। देखिए, कौसर न कहिए, जब कौसर कहेंगे तो इससे तख़फ़ीफ़ मिदहत हो जाएगी। सिर्फ कौसर कहेंगे तो तख़फ़ीफ़ मिदहत हो जाएगी। देखिए, यही बात है उर्दू और अरबी की वजह से। उर्दू में हमने कह दिया कि मेरे हबीब आपको हमने कौसर अता किया, कौसर नहीं अता किया, अल कौसर अता किया। उर्दू और अरबी में इसमें बड़ा फर्क है। अल्लाह ने कहा इन्ना बेशक आतैना का आपको हमने अता किया, फिर पूरा पूरा एक लफ्ज है अल कौसर, हमने आपको अल कौसर दिया। अरबी में जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आ जाए, आमतौर से समझाने के लिए कर दे कि वो अलिफ लाम आते ही वो प्रॉपर हो जाता है, और अलिफ लाम ना हो तो कॉमन रहता है, और इसे आसानी से हमारा बच्चा समझ सकता है कि कॉमन कॉमन है, प्रॉपर प्रॉपर है। मैं तवज्जो है, अलिफ लाम ये एक मिसाल है। अलिफ लाम के आने से हुरूफ के कदो कामत कई एतबार से बुलंद होते हैं। ये मैंने समझाने के सिर्फ एक रुख बता दिया कॉमन और प्रॉपर का, है ना, हमारे फौर नखरा का। देखिए, सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर गुंजाइश बने तो थोड़ा सा पीछे से गुंजाइश बना लीजिए, दरवाजे में पैक हो रहा है, अगर थोड़ा सा और आगे आ सकते हो तो आ जाए, आ जाए। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता नहीं किया, अल कौसर अता किया।
कौसर बना है कसीर से। कसीर के माना होते हैं ज्यादा। थोड़ी सी आपको ज़हमत और तवज्जो इख्तियार करनी पड़ेगी। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। आ जाइए इधर है जगह, इधर आ जाइए, इधर है जगह, आ जाइए। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि कसीर से बना है कौसर। कसीर मानी ज्यादा। ज्यादा किसे कहते हैं, थोड़ी सी तवज्जो करनी होगी। ज्यादा किसे कहते हैं, ज्यादा उसे कहते हैं जो ज्यादा हो मगर गिना जा सके। बात आसान हुई? ज्यादा उसे कहते हैं जो ज्यादा हो मगर गिना जा सके। जैसे 1000 बोरे हैं, गिना जा सकता है, मगर 1000 बोरा कम नहीं होता, ज्यादा ही होता है ना। लेकिन इसी में जब बहुत ज्यादा लग जाए तो बहुत ज्यादा उसे कहते हैं जिसे गिना ना जा सके। जैसे उन्हीं 1000 बोरों के दाने है ना। अब अगर कोई ये कहे कि ये 1 करोड़ दाने हैं तो आप कह रहे बहुत ज्यादा है, यानी तुम्हारा अंदाजा सही नहीं है। 5 करोड़ दाने हैं, नहीं, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, यानी बहुत ज्यादा। तो ज्यादा उसे कहते हैं जो ज्यादा हो मगर गिना जा सके, गिनती एक हो जाए। मगर बहुत ज्यादा उसे कहते हैं कि जहां गिनती मुश्किल हो जाए उसे बहुत ज्यादा कहते हैं। यही तरीका तकरीबन दुनिया की हर जुबान में है। अरबी ने ज्यादा का, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, ज्यादा का बहुत ज्यादा नहीं किया बल्कि कसीर का मुबालिगा बना दिया कौसर। इसमें लफ्ज बहुत नहीं जोड़ा बल्कि कसीर का एक लफ्ज बना दिया मुबालिगे का कौसर। अब ये कौसर कसीर का मुबालिगा है, यानी बहुत ज्यादा, जो गिना ना जा सके, जिसका तखमीना ना लगाया जा सके। तो दुनिया की जुबान में कसीर और कौसर ही की हद है, मगर जब अरबी में कौसर पर अलिफ लाम आ जाए तो अब दुनिया की किसी जबान में तर्जुमा मुमकिन नहीं है। मैं बात पहुंच रही, जब कसीर का कौसर और कौसर पर अलिफ लाम इस्तगराक का आ जाए तो अब दुनिया की किसी जबान में इसका तर्जुमा मुमकिन नहीं है। तो जिस जहरा के लकब अल कौसर का तर्जुमा मुमकिन न हो, उसकी जात के तारुफ की हद कैसे मुअय्यन होगी। सलावत पढ़े उसकी जात की तारुफ की हद कैसे मुअय्यन होगी। और बात यहीं से अपनी मंजिलों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मौजू से करीब होते हुए बढ़ जाएगी कि उस जात की, जात के तारुफ की हद कैसे मुअय्यन होगी, अजमत की हद कैसे मुअय्यन होगी। तो हद मुअय्यन नहीं हो सकती, मगर समझने के लिए कोई इशारा तो चाहिए, कोई इशारा तो चाहिए। आप देखते हैं कहीं के इशारा लिखा रहता है, मसलन फला तरफ जाने का रास्ता, वो कितना है ये नहीं मालूम होता, मगर इशारा होता है कि यही रास्ता पहुंचाएगा। और आसान करूं बात, यहां से निकलिए, ये आपकी रोड जा रही है, हाईवे है ना, अहमद खां मंडी से जो रोड जा रही है वो हाईवे जा रही है। अब आप बाईपास बनाने पे मजबूर है तो वो आपकी मजबूरी है। इस रोड के जो रास्ता बाई तरफ जा रहा, घबरा तो नहीं गए, इस रोड के जो रास्ता बाई तरफ जा रहा है वो रास्ता चटागाम तक जा सकता है, उसके बाद पानी ही पानी है। भाई ये चटागाम कहाँ है? निकाल ये बांग्लादेश में। कैसे जाएगा? भाई इसे पकड़ लीजिए बनारस, बनारस से जीटी रोड कलकत्ता, कलकत्ता से फिर निकल जाइए ढाका, ढाका से चटागाम। कितनी दूर है का ये तो हम नहीं बता सकते, हद क्या है ये नहीं बता सकते, मगर वे बता दे रहे हैं, रूट बता दे रहे हैं कि ये रूट जाएगा। अच्छा, और अगर दाहिने मुड़ जाए
तो दाहिने आप करबला भी चले जाएंगे, काबा भी चले जाएंगे। भाई वो कैसे? सीधी सी बात है, लखनऊ, लखनऊ से एक्सप्रेस वे पकड़िए, दिल्ली, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से लाहौर, लाहौर से पिशावर, पिशावर से आप चले जाइए ईरान, ईरान से इराक, करबला, और फिर इराक से सऊदीया, काबा। वाकई हम बिल्कुल चले जाएंगे। कितना है का ये तो हम बता ही नहीं सकते कितना है, वे बता दे रहे हैं, रूट बता दे रहे हैं, मगर ये कब कितने वक्त में पहुंचेंगे, कितनी मसाफत तय करेंगे, ये नहीं बताया जा सकता। बात पहुंच रही है? अगर बच्चों तक बात पहुंच गई, आसान हो गई, तो मंजिल तय कर लूं अगली, कि ये हम रूट बता देंगे, वे बता देंगे, मगर हद और इंतहा नहीं मालूम है। अजमतों की एक जगह बता दी, मगर कैसे पहुंचेंगे, कितना वक्त लगेगा और क्या रास्ते हैं, ये मालूम नहीं है। तवज्जो, तो अजमत जहरा का रूट ही बताने के लिए मुस्तफा को जमीन से मेराज तक जाना पड़ा। हाय हाय, एक सलावत पढ़े बाबा। अजमत जहरा का रूट ही बताने के लिए मुस्तफा को जमीन से मेराज तक जाना पड़ा। अब पूछो मेराज कितनी है, तो ये तो कुरान ने भी नहीं बताया है। फकाना काबा कौसैन औ अदना, मेराज का सफर अजमत जहरा के इजहार का रूट है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या रूट है? कुरान, अजीम तरीन किताब है। कुरान पर कुरान के अलावा कोई किताब नहीं रखी जा सकती, क्योंकि वो इतनी अजीम है। अब बड़ी एहतियात से सुन लीजिए, दुआओं की किताब भी नहीं रखी जा सकती, चाहे वज़ाइफ़ुल मोमिनीन हो, चाहे वज़ाइफ़ुल मुत्तकीन हो, दुआओं की किताब भी मस्जिदों में और अपने मुसल्लों में इसका ख्याल रखिएगा कि उस पर, कुरान पर दुआओं की किताब भी नहीं रखी जा सकती। सीधी सी बात है कि दुआओं की किताब हमारी जमा की हुई है, कुरान अल्लाह का जमा किया हुआ, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा, चाहे मस्जिद के रैक हों, चाहे घर का ताक हो। कुरान बहुत अजीम किताब है, कुरान शफा है, कुरान बरकत है, कुरान की तिलावत सवाब है, कुरान का देखना सवाब है, कुरान का पढ़ना सवाब है। कुरान इतना तय्यब व ताहिर है कि बग़ैर वुज़ू के उस कुरान को छू नहीं सकते। तवज्जो है ना आपकी? कुरान लौहे महफूज पे महफूज है, कुरान तकदीर कायनात है, कुरान मशीयत इलाही है। इतना सब होने के बावजूद कुरान जमीन पर दो बार नाजिल हुआ। तवज्जो है ना आपकी? एक बार शबे कद्र में नाजिल हुआ, पूरा 114 सूरा यक बारगी, सीने रसूल पर यक बारगी 114 सूरा शबे कद्र में नाजिल हुआ। यह कुरान की एक तंजील है। दूसरी तंजील 23 वर्षों तक आयत आयत और सूरा सूरा नबी के पास जिब्राइल लोहे महफूज से लाते रहे, यह दूसरी तंजील है। जैसा जैसा हुक्म हुआ, आयत आयत ले आए, सूरा सूरा ले आए। तो कुरान की दो तंजील है, एक पूरा कुरान शबे कद्र में आना और दूसरे आयत आयत आना। कुरान इतना अजीम है कि कलाम इलाही है, शफा है, बरकत है, तहारत है, मगर कुरान जमीन पर दो बार आया है, मुस्तफा लेने नहीं गए हैं। मुझे नहीं मालूम आप कहां बैठे हैं। दो बार आया है, मुस्तफा लेने नहीं गए हैं, मगर नूर जहरा वो नूर है जो आया नहीं है, मुस्तफा को लेने जाना पड़ा है।
तवज्जो, नूरे जहरा आया नहीं है, मुस्तफा को लेने जाना पड़ा है। फिर महसूस कीजिए, मैं रूट बता रहा हूं, आप ज़ियारत वारसा में पढ़ते हैं, फिल असलाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा। मेरे मौला, आपको अल्लाह ने मकाम नूर में, आपको अल्लाह ने नूरों का सफ़र, ये जामुल अखबार की बड़ी तफसीली और तवील तरीन हदीस है जिसका ये टुकड़ा है जो ज़ियारत में शामिल है, कि आपके नूर को अल्लाह ने रोशन सुलबों में रखा, पाकीज़ा अरहाम में रखा। सुल्ब का ताल्लुक बाप दादा से है और रहम का ताल्लुक माओ से है। मेरे मौला, आपके नूर को अल्लाह ने रोशन सुलबों में रखा, पाकीज़ा अरहाम में रखा। ज़ियारत में पढ़ते हैं, लफ्ज़ याद आ गए आपको तो मैं जुमला हवाले कर दूँ कि ये नूर जो हैं वह 13 नूर हैं जो आदम से चले थे, 14 नहीं हैं। घबरा तो नहीं गए? ये नूर 13 हैं जो आदम से चले थे और इमाम तक आए, जो आपने कहा फिल असलाब शामिखा वल अरहामिल मुतहरा। ये नूर 14 नहीं है। नूर जहरा को अल्लाह ने किसी नबी के सुल्ब में नहीं रखा। नूर जहरा वो नूर है जिसका महरम मुस्तफा के अलावा अल्लाह ने किसी नबी को नहीं बनाया। हाय हाय, न ये सुल्बे आदम में रहा, न ये सुल्बे नूह में रहा, न ये सुल्बे इब्राहिम में रहा, न ये सुल्बे इस्माइल में रहा। इस नूर को अल्लाह ने मकाम कुद्स में रखा कि मेरे नबी आप आएंगे तब ये नूर जाएगा। सलावत पढ़े नबी करीम, जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो चरख चहारों पे या किसी और आसमान पे रिवायतें हैं, नबी का 123,999 अंबिया ने खड़े हो के इस्तकबाल किया और उनके पीछे नमाज अदा की। नबी जब चरख पे गए तो तमाम अंबिया ने, 123,999 अंबिया ने नबी का इस्तकबाल किया और इनके पीछे नमाज पढ़ी। इन्हीं में 312 रसूल हैं, 13 नहीं, 13वें तो खुद रसूल है ना, 313 रसूल हैं। देखिए इस तरह न सुनिए कि जैसे पहली बार सुन रहे हो ये जुमले, क्योंकि ये खूब बढ़िया से पढ़ा दिया गया है मदरसों में, तंजीम में, है ना, मदरसिन से मौलवियों ने सब बच्चों को पढ़ाया है, तो आप इस तरह न सुनिए कि लगे पहली बार सुन रहे हैं। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीन सौ 13 रसूल हैं, अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा तभी जुमला पूरा कर पाऊंगा। 5 उलुल अज़्म हैं और 123,999 अंबिया हैं रसूल को छोड़ के। रसूल को लेके 123,999 अंबिया, इन 123,999 में 312 रसूल, 13वें खुद सरकार हैं और 5 उलुल अज़्म में 5वें सरकार हैं और 4 उलुल अज़्म इन 123,999 अंबिया में शामिल है। बात पूरी हो गई ना? अब आप जरा अजमतों की हाइट मुलाहिजा कर सके तो बात पहुंचा दूं कि 123,999 अंबिया ने, जिनमें 312 रसूल और 4 उलुल अज़्म है, यानी साहिब शरीयत, साहिब किताब और साहिब सहीफा, इन्होंने खड़े होके जिसका इस्तकबाल किया उसे मुस्तफा कहते हैं और मुस्तफा खड़े होके जिसका इस्तकबाल करे जो है उसे जहरा कहते। एक सलावत पढ़े बाबा। जज़ाकअल्लाह। य
यह है अजमत, यह है मर्तबा। अजीजो, शहजादी चौदह मासूमीन में तन्हा हैं। देखिए मैं आ गया बहुत आसानी से अपनी मंजिल पर। चौदह मासूमीन में तन्हा हैं। पूरी दुनिया की आबादी कितनी है इस वक्त? 5 अरब 10 करोड़ से ज्यादा। पर्टिकुलर एक गिनती बताई नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखिए हर सेकंड पे वो गिनती घटती बढ़ती है, मरने वाली भी और आने वाली भी। ये 5 अरब 10 करोड़ बेदार हैं। जुमला कबूल करने की हिम्मत है तो जुमला पढ़ूं। 5-7 अरब 10 करोड़ में मर्दों की आबादी तकरीबन 4 अरब है, औरतों की आबादी 3 अरब समथिंग है। कभी किसी भी जमाने में मर्दों की आबादी ज्यादा रही है, औरतों की आबादी कम रही है। किसी एक स्टेज की बात नहीं की जा रही है, न किसी एक मोहल्ले की न किसी एक घर की। मजमूई आबादी किसी भी समाज की मर्दों की ज्यादा होती है, औरतों की कम होती है। फिर ये रिश्ते की परेशानी क्यों है? बात पहुंची, फिर दोहराऊं जुमला। मर्दों की आबादी ज्यादा रहती है उमूमी तौर पर, औरतों की कम रहती है। फिर आपके समाज में रिश्तों की परेशानी क्यों है? मेंबर से अब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इस बहस के लिए 2-3 घंटे चाहिए और टेबल टॉक चाहिए। मगर अपनी अपनी जगह सोचिएगा जरूर कि जब हर जमाने में मर्दों की आबादी औरतों से ज्यादा ही रही है, तो हमारे समाज में रिश्तों की परेशानी क्यों है? और अगर है तो इसका मुजरिम ना निजाम है ना फितरत है, इसके मुजरिम हम आप हैं कि जिन्होंने कोई ना कोई अजीब सा कानून जिंदगी का बना रखा है, जो गैर इस्लामी कानून है, जो गैर शरई कानून है। अगर कानून इस्लामी और शरई और फितरी होता तो कभी ये मसाइल पैदा नहीं होते, और ये नहीं होते तो बहुत से मसाइल पैदा नहीं होते। मगर मैं अगले मरहले में कदम रख दूं कि औरतों की आबादी तकरीबन, भाई देखिए मैं अजमतों की जस्तजू में वे टू ढूंढ रहा हूं, रूट ढूंढ रहा हूं, तो बात पहुंचनी चाहिए कि मर्दों की आबादी तकरीबन 4 अरब, औरतों की आबादी 3 अरब समथिंग, तवज्जो है, मगर 4 अरब मर्दों के लिए 13 किरदार भेजे गए, 3 अरब औरतों के लिए तन्हा जहरा काफी है। हाय हाय, 3 अरब मर्दों, 4 अरब मर्दों के लिए 13 किरदार, 3 अरब औरतों के लिए तन्हा किरदार जहरा काफी है। और फिर अजमतों की हाइट मुलादा करें तो मैं अर्ज करूं कि इन 3-4 अरब मर्दों के लिए जो 13 किरदार मासूमों के भेजे गए, उनमें कम से कम मुद्दत हयात और तबलीग 25 बरस नवे इमाम की, और ज्यादा से ज्यादा 63 बरस मौलाए कायनात और रसूल की। तो 25 बरस से लेके 63 बरस तक ये मर्दों का मकाम तबलीग और हयात रही है, मगर मासूम आलम ने सिर्फ 18 बरस में पूरा किरदार मुकम्मल कर दिया। हाय हाय हाय, कितना मजबूत अंदाजे हयात था, कितना बेहतरीन तर्ज़े तबलीग था। और फिर अर्ज करूं, पता नहीं मैं बात पहुंचा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये तो जुस्तजू है,
फजीलतों की तलाश में। मर्दों की तबलीग करना रसूल की मौलाए कायनात की सबकी जिम्मेदारी थी, इसलिए कि हमेशा मर्द समाज पे डोमिनेट करता है। गौर कर रहे हैं आप, ये अलग बात है चलती औरत की है ना, और वो अपनी चला ही लेती हैं। अगर वो अपनी चला न ले जाएं और मर्द सरेंडर न करने लगे तो बहुत सारी खराबियां दूर हो सकती हैं। आप घबरा जाते हैं और ये बात पैगाम की पहुंचेगी ज़रूर, इसके बगैर मेरी बात मुकम्मल भी नहीं होती। मगर डोमिनेट हमेशा समाज जो बनाता है, जो समाज का ढांचा चलता है, वो मर्दों के ज़रिया चलता है। इसीलिए अल्लाह ने मर्दों को ही नबूवत दे दे के भेजी। और कर रहे हैं आप, नबूवत मर्दों के ज़रिया इसीलिए आई, किरदार औरतों के ज़रिया दिए गए हैं, ये एक अलग तारीख है मुकम्मल। मकाम तवज्जो जो बात है वो ये कि हिदायत की जिम्मेदारी मर्दों के ज़िम्मे रही, मगर शायद ये बात पहुंचा सकूं अगर आप मेरा साथ दें आसानी से। 123,999 अंबिया गुजर गए, आखिरी नबूवत, आखिरी किताब, आखिरी शरीयत अल्लाह ने सरकार के हवाले की, तो सरकार को फिर तन्हा नहीं छोड़ा। इसलिए कि पिछली शरीयतों का हाल भी अल्लाह देख रहा था, पिछली किताबों का हाल भी अल्लाह देख रहा था, पिछले सहीफों का भी अल्लाह हाल देख रहा था, और पिछली उम्मतों की कारकर्दगी भी अल्लाह देख रहा था। इसीलिए जब मुस्तफा को भेजा तो आपकी शरीयत की जिम्मेदारी तनहा नबी पे नहीं रखी, बल्कि जुज़्वे रिसालत मासूमे आलम को बना दिया। ये बहुत बड़ा जुमला था जो गुजर गया, जुज़्वे रिसालत मासूमे आलम को बना दिया। बात पहुंचनी चाहिए, जुज़्वे रिसालत मासूमे आलम को बना दिया। तो जुज़्वे रिसालत मासूमे आलम को बनाया था, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। जुज़्वे रिसालत मासूमे आलम को बनाया था, तो मकसद सिर्फ यह है कि दीन कामिल तरीन अंदाज में पहुंचे। बात पहुंचनी चाहिए, अजीब जुस्तजू में लगा हूं, मगर औरतों की हिदायत करना यह है औरत की जिम्मेदारी, मर्दों की हिदायत करना यह है मर्द की जिम्मेदारी। मगर मासूम आलम ने घर में बैठ के सैकड़ों मर्दों को मुसलमान कर दिया। हाँ, इतनी आसानी से नहीं बात पहुंचेगी। सैकड़ों मर्दों को, साहिल आया रसूल के पास, या रसूल्ला मेरी हाजत रवाई कीजिए। देखिए बज़तुर रसूल जुज़्वे रिसालत है, तो ये जबानी कोई लकब नहीं दे दिया है, हैं जैसे आज बहुत सारे लोग अलकाब लेके घूमते हैं, हक लकब अदा नहीं कर पाते। मासूमीन के यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े जुमले हैं जो पहुँच नहीं पा रहे हैं, मगर मैं चाहूँगा कि ये फ़ज़ा में महफूज हो जाए। मासूम आलम का लकब है बज़तुर रसूल जुज़्वे रसालत। रसालत का काम क्या है? रसालत का काम है तबलीग करना, हिदायत करना। साहिल रसूल के पास आया, रसूल ने कहा सलमान खुदा गवाह है कि हमारे पास इसकी हाजत रवाई के लिए अभी कुछ नहीं है, तुम बतूल के दरवाजे पे लेके चले जाओ। और ये एक दो वक्त की बात नहीं है, एक दो मरतबा नहीं, कई बार रसूल ने साहिल, कई बार रसूल ने साहिल को दरवाजे बतूल पे भेजा। ये सारी चीज़ें अजीज़ों पढ़ने सुनने और गौर करने की हैं कि ये बाप बेटी के दरवाजे पे क्यों बार बार साहिल को भेजता है। गौर करते रहिएगा, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। सलमान लेके आ गए साहिल को,
सलमान ने कहा कि बीबी बाबा ने आपके भेजा है, ये सायल है। कहा ठीक है, मगर सलमान खुदा गवाह है कि मेरे पास भी इसकी हाजत रवाई के लिए कुछ है नहीं, मगर एक काम करो, ये चादर दे रही हूँ, इसको जाओ जैद के यहाँ गिरवी रख दो। जैद ये यहूदी था, शमून ये यहूदी था, यहूदियों का कल भी वही बिजनेस था जो आज है। गौर कर रहे हैं आप इकोनॉमिक्स पर, कल भी यहूदियों का कब्जा वैसे ही था जैसा आज है। ये सब सवाल छोड़ रहा हूं, सोचिएगा, गौर कीजिएगा, वक्त नहीं है कि सारी बातें एक मजलिस में डिस्कस की जाए। कहा जाओ इसको जैद क्या गिरवी कर दो। वो गिरवी का काम ही करता था, गिरवी रख दी गई चादर। तो भाई ठीक है, मैं पैसा दे के छुड़ा लूंगा, इतनी दिरहम दे दो। साहिल को दे दिया, साहिल चला गया। उसने चादर ली और अपने लॉकर में, उस रूम में के जहां वो गिरवी के सामान रखते थे, रख के आके बैठ गया अपनी गद्दी पे। थोड़ी देर गुजरी कि उसकी जौजा उसी रूम में गई जिसमें वो गिरवी के सामान रखता था, तो देखा कि पूरा कमरा रोशन हो रहा है। वो डर के बाहर आ गई, फिर अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि रोशनी जो है वो किसी एक जगह से फूट रही है। जो वो करीब गई तो देखा कि वहां एक चादर नुमा चीज पैवंद वाली रखी हुई है। उसने आवाज दी जैद को, जैद जल्दी आओ, यहां क्या रखा है तुमने। कहा कुछ तो नहीं। कहने कुछ अभी रखा है तुमने, मैं इससे पहले भी आई थी कमरे में। कहने कुछ तो नहीं रखा है, हाँ एक चादर आई थी गिरवी मैंने रख दी है, कजरा आकर के देखो। उसने देखा तो उसी उसी से नूर फूट रहा था, तवज्जो है, उसी चादर से नूर फूट रहा था। उसने अपने पूरे खानवादे के लोगों को, जो तकरीबन 250 अफराद थे यहूदी, वो सब के सब आए और जमा हो गए और कहा भाई देखो ये क्या मसला है। कहा ये चादर है किसकी। कहा ये चादर है मुसलमानों के रसूल की बेटी की। तवज्जो है। तो उन 250 यहूदियों ने, भाई बात पहुंचनी चाहिए, उन 250 यहूदियों ने बवक वक्त ये फैसला किया कि हम तूर वाली गलती नहीं दोहराएंगे। हाय हाय हाय, भाई तवज्जो है, अब अगर जुमले नहीं पहुंचेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब हम तूर वाली गलती नहीं दोहराएंगे, चलो और अभी दस्ते मुस्तफा पर इस्लाम कबूल करें। तो जो 250 यहूदी उसी वक्त आके दस्ते मुस्तफा पर मुसलमान हो रहे हैं। जहरा घर में बैठी है, चादर से हिदायत कर रही है। ये तन्हा बीबी है कि जो हर किरदार को कामिल कर गई। बज़तुर रसूल थी। ये मैंने एक वाकया सिर्फ पढ़ा है, एक वाकये की तरफ इशारा कर दूं। 500 यहूदी औरतें मुसलमान हुई थी, हैं वो वाकया पढ़ते हैं ना बनाम एक कहानी, हालांकि कहानी नहीं है ये वाकया है। कहानी उसे कहा जाए जिसका वाकया होना जरूरी नहीं है, मगर है जनाब सैयदा की कहानी का लफ्ज दे दिया गया है। कहानी इस कहानी से पहले वाली है, बात पहुंच रही है। इस कहानी, इस वाकये के, वाकये यहूद के शादी में जाने के पहले जो दो कहानियां हैं, कुमार वाली है ना और इस तरह की एक और, ये कहानियां हैं, ये बिल्कुल ही झूठी हैं, ये बिल्कुल ही झूठी हैं। गौर करें आप, इन्हें न पढ़िए मगर इस कहानी को जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए, जो असल वाकया है, कहानी नहीं है। उसमें 250 फैमिलीज मुसलमान हुई। यह है बज़तुर रसूल का कमाल। जुज़्वे रिसालत थी, ये बात अगर पहुंच रही है तो मैं अपने नतीजे तक आसानी से पहुंच जाऊंगा, वक्त कोता होता जा रहा है। और मासूम आलम ने बज़तुर रसूल होने का सबूत दिया कि घर में रह करके आप इस्लाम फैलाती रहीं, मर्द भी मुसलमान होते रहे, औरतें भी मुसलमान होती रहीं। अब रसूल
عظمت زہرہ کے حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے جسے آپ سب کو یاد ہے، فاطمہ تو ام و ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، یہ مرحلہ کب کا ہے؟ جب صلوات پڑھ لے محمد والے محمد، دیکھیے گفتگو اب بڑے نازک مرحلے تک بڑے اہتمام سے لائی گئی ہے، اب میں ایصال ثواب کے تناظر میں اپنی گفتگو آپ تک ارسال کرنا چاہوں گا، خصوصی توجہ چاہوں گا کہ بات پہنچے۔ معصومہ عالم کی ولادت ہوتی ہے بعثت، جسے اسلام شروع ہونے کو کہتے ہیں سن بعثت، بعثت کے پانچویں سال، یعنی جب اسلام کو شروع ہوئے 5 سال ہو چکے تھے تب معصومہ عالم کی ولادت ہوتی ہے، اور 13 بعثت تک نبی مدینے میں مکے میں رہتے ہیں، یعنی 8 5 13، 8 سال چند مہینے کی عمر نبی شہزادی کی مکے کی ہے، اور مدینے آئیں تو آپ کا 9 سال تھا، اور مدینے میں 9 سال میں آپ کا عقد ہو جاتا ہے، 18 سال میں آپ کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہی مکمل حیات ہے زہرا کی۔ اب آپ محسوس کر سکے تو اس تخمینے کو ذہن میں بٹھائیے کہ 5 سال کی وہ بچی 5 سال کی اور ہوتی ہے، 10 یا 11 بعثت میں جناب خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، 5 یا 6 سال کی بچی ہے اور 52 سال کا اس کا بزرگ باپ ہے جو گھر کے اندر تنہا ہے۔ جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا جو سرپرست تھے، پشت پناہ تھے۔ جناب خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا کہ جو غمگسار تھیں۔ جب کسی انسان کا سرپرست اور غمگسار اٹھ جاتا ہے تو اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ نفسیات کے عجیب مرحلے ہیں جنہیں لفظوں میں پہنچانا مشکل ہے، کیونکہ نفسیات کی ترجمانی الفاظ نہیں کر سکتے۔ ایک وہ شخص جو اب باہر نکلے تو پتھر مارنے والے بڑھ گئے، گھر میں آئے تو غم بانٹنے والا کوئی نہیں ہے، تو جو ہے وہ تنہا مصطفیٰ جب گھر میں آئے تو 6 سال کی اپنی بیٹی سے کوئی بھی بزرگ باپ اپنے مسائل شیئر نہیں کرتا۔ 6 سال کی بچی سے کوئی بھی بزرگ باپ اپنے مسائل، اپنے معاملات شیئر نہیں کر سکتا، نہیں بانٹ سکتا۔ اب محسوس کر سکتے ہو تو کریں۔ اب دوسری طرف ایک اور مرحلہ دیکھ لیجئے کہ خود رسول کی زندگی میں انہیں اپنی ماں صرف 2.5 سال ملی ہیں، 3 سال مکمل ہوتے ہوتے نبی کریم کی والدہ جناب آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد دادا نے 8 برس پالا، 8 برس کے بعد اسے شفیق چچی میسر ہوئی۔ یہ ہے رسول کی زندگی کا خاکہ کہ جسے ماں کی ممتا بھی بہت دن نہیں ملی۔ توجہ ہے، آج غمگسار بھی دنیا سے اٹھ گیا، رسول اذیتوں سے مصیبتوں سے ہم کنار ہو کے گھر کے اندر آ رہے ہیں، اور گھر کے اندر ایک 6 7 برس کی صرف بچی ہے، مگر اس زہرا نے اپنے بابا کا بڑھ کے استقبال کیا، باپ کے گلے لگ گئیں، باپ کے زخموں کو دھویا، باپ کے زخموں کو دھویا، باپ کی فرسٹ ایڈ مکمل کی، اور اس طرح سے کی، اتنی محبت دی کہ بیٹی میں رسول کو ممتا نظر آنے لگی۔ آئے آئے، بیٹی کی خدمتوں میں رسول کو ممتا نظر آنے لگی۔ فرمایا فاطمتو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب اگر اس لفظ کی ہمگیری کو محسوس کریں تو ایک منظر آگے بڑھ جاؤں گا کہ جب فرسٹ ایڈ پورا کر دیا رسول کی بیٹی نے، آرام ہو گیا، رسول مسکرائے، زہرا کی بھی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، پوچھا بابا کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کہ بیٹی بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اٹھے، اور اٹھنے کے بعد پھر دروازے کی طرف بڑھے،
जैसे ही फिर बढ़े मासूम आलम ने आगे बढ़ के कहा, बाबा अब कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, उम्मो अभी हम महसूस करेंगे, अब कहाँ जा रहे हैं। कहा बेटी मैं फिर तबलीग को जा रहा हूँ। कहा बाबा अभी तो आप थके हारे आए थे। कहा मेरी लाडली तुझे देख लेने के बाद तेरे बाप में हिम्मत तबलीग और बढ़ जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद। यही 9 बरस की बच्ची तो कहा जाएगा इस उम्र को, जब शरीके हयात मौलाए कायनात की बन के आती है। मासूम आलम में और मौलाए कायनात में 15 साल का फर्क है उम्र का। ये सारी चीजें नफसियाती तौर से समझने की हैं, गौर करने की हैं। मौलाए कायनात में और मासूम आलम में 15 साल का फर्क है उम्र का। मासूम आलम शरीके हयाते मौलाए कायनात बनती हैं। घर आई तो इस तरह से उस घर की खिदमत की कि घर को आईना बना दिया। तवज्जो है, अगर बात पहुंचे तो कुछ नाजुक अबवाब से गुजरना चाहूँगा। वक्त पे मेरी पूरी निगाह है क्योंकि इसके बाद भी एक मजलिस होनी है। मोहल्ले की औरतों ने आके मासूम आलम से कहा, बेचारी बताओ इतनी सी बच्ची और ऐसे आदमी के साथ ब्याह दी गई कि जिसके घर में खाने को भी नहीं है। ये काम आज ही नहीं होता, ये काम उस वक्त भी होता था। औरतों ने आके मासूम आलम के सामने मासूम आलम से ये कहा कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। जब मदीना पढ़ रहा हूँ, मक्का नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आने वाली काफिर औरतें नहीं हैं, ये सब मुसलमान हैं। तो बाबा ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, ऐसे तो इतनी अच्छी प्यारी सी बच्ची बताओ कैसे घर में ब्याह दी रसूल ने। जी इसके बाद क्या होगा, घर का हाल संभलेगा घर? बात पहुंचनी चाहिए आपके चेहरों पे इतनी ज्यादा हैरत फैल गई है कि मुझे पढ़ने में कुछ तकल्लुफ सा आ रहा है। एक सलवात पढ़ ले मिलजुल के मोहम्मद वाला। बताओ इस बेटी के सामने, रसूल की बेटी के सामने, मौलाए कायनात की जौजा मासूम आलम के सामने बैठी हुई बात कर रही हैं औरतें, बताओ ना बिचारी को कैसे घर में ब्याह दिया, खाने तक को ठीक से इस घर में नहीं है और ऐसे घर में ब्याह दिया, कैसा बुरा हाल हो रहा है। मासूम आलम उठी और गई बाबा के पास और बाबा के पास जाके कहा, लफ्जे संभालिए मैं लफ्जे पढ़ के गुजर जाऊंगा, बाबा ये कुरैश की औरतें मुझसे आके कह रही हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी एक गरीब इंसान से कर दी है, गरीब इंसान से कर दी है। रसूल ने कहा, बेटी ये औरतें बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, बेटी ये औरतें बिल्कुल झूठ बोल रही हैं कि तेरे बाप ने तेरी शादी एक गरीब इंसान से कर दी है। असल में तेरी शादी तेरे बाप ने की नहीं है, तेरी शादी तो तेरे परवरदिगार ने की है। आए, आए, आए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। जिसने, जिस अल्लाह ने ये रिश्ता दिया हो, इल्जाम उसके सर जाएगा। तो जो है बात उसके सर जाएगी, तेरी शादी तो तेरे बाप ने की ही नहीं, ये इफ्तिखार तो मेरी बेटी से तुझे हासिल है कि तेरी शादी तेरे परवरदिगार ने की है, अल्लाह ने तेरी शादी की है और बेहतरीन कुफों से की है। देखिए घर बनता कैसे है और घर बिगाड़ा कैसे जाता है। मौलाए कायनात, अब जिंदगी के दूसरे पहलू पर मैं आ रहा हूं। एक मसला हल हो गया, अभी आई थी तब की बात है। मौलाए कायनात के घर में फाके होते थे ये आप जानते हैं,
मासूम आलम को ज़िंदगी गुजारने के लिए मौलाए कायनात का माशी तआवुन भी करना पड़ा, ये भी आप जानते हैं। एक ऐसी मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस है कि जिसने अपने घर, अपने ख़ानदान, अपने समाज को बहुत संभाल के और बहुत खुश असलूबी से चलाया और हर एक का साथ दिया, हर एक के दुख सुख में शरीक भी रहीं और अपने बच्चे को भी अच्छी तालीम दे के एक अच्छे मकाम तक पहुँचाया, माशाअल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इसी तनाजुर में ये बात मैं आगे पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि ईसाले सवाब फजीलत के बाब से होता चला जाए और जिक्र फजीलत के अबवाब में होता चला जाए। मासूम आलम ने जंगे बद्र देखी, काश बात पहुंचा सकूं, जंगे उहद देखी, जंगे खैबर, जंगे खंदक, ये बड़ी बड़ी जंगें, और हर जंग में मौलाए कायनात ही आगे हैं, मौलाए कायनात ही अलमबरदार हैं। ठीक है, शादी हुई 2 हिजरी में इमाम हसन की विलादत, 3 हिजरी में इमाम हुसैन की विलादत, अब घर में 2-2 बच्चे भी आ गए। मैं काश बात पहुंचा सकूं, मेरा साथ दीजिएगा, क्या मासूम आलम ने कभी भी मौलाए कायनात का हाथ पकड़ के ये कहा कि ये हर जंग में आप ही आगे क्यों रहते हैं, कहीं आपको कुछ हो गया तो? छोटे छोटे बेटे घर के अंदर है, आप खेलने नहीं जा रहे हैं, आप घूमने नहीं जा रहे हैं, आप जंग करने जा रहे हैं। किसी जंग में मौलाए कायनात के सर पे चोट लगी, किसी जंग में पैर में तीर पैवस्त हुआ, किसी जंग में पुश्त के ऊपर जख्म लगा, ये तो अली ही है। पुश्त ही पे जख्म लगेगा, सीने पे मारने की हिम्मत किसी में नहीं है। मैं तवज्जो है, कभी कहा जहरा ने कि या अली, चलिए ठीक है 313 बेचारे थे जंगे बद्र में, मगर अब तो माशाल्लाह 10,000 से ज्यादा मुसलमान हो गए हैं, बाबा इन्हें लड़ाएंगे, बात पहुंच जाए खुदा की कसम बाबा लड़ाएंगे, मुसलमानों को जाने दीजिए। आप क्यों हैं कि आगे आगे, मैं आयत के तनाजुर में गुजरने वाला हूं, आप क्यों हैं कि आगे आगे चले जाते हैं, या रसूलल्लाह आना, या रसूलल्लाह मैं, क्यों बार बार खड़े होते हैं? अरे चुप भी बैठिए, दूसरे भी लोग हैं, आगे आएंगे, मगर बज़तुर रसूल जानती है कि अगर अली मैदान जंग में नहीं जाएंगे तो ये सब के सब अपने पिछले मजहब पे पलट जाएंगे। और जो है सलावत पढ़े मोहम्मद, या अली जाइए, अल्लाह आपको कामयाब करे। खुदा की कसम, अगर बतूल हिम्मत नहीं दें तो मौलाए कायनात का लड़ना मुश्किल हो जाएगा। बात पहुंच रही है? मैं मंजर को लफ्ज़ दे रहा हूं, शख्सियत को लफ्ज़ नहीं दे रहा हूं। अगर बतूल हिम्मत न दे तो मौलाए कायनात का जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हिम्मत किस तरह दी है? देखिए, यही है एक बेहतरीन जौजा का कमाल, और इसी तरीके से घर बनता है, फिर औलाद पनपती है, फिर औलाद मच्छी और बड़ी मंजिलें हासिल करती है। जब मौलाए कायनात लौटे हैं खैबर से, तो पूरे मदीने में जंग खैबर से लौटने वाले मुसलमान, बात पहुंची अजीजों, पूरे खैबर में से मदीने में लौटने वाले मुसलमान की आज़ान हो रही है। अच्छा, हाँ, तो ये घड़ी 10 मिनट स्लो है, हैं? बस इस 2-3 जुमले में मैं मरबूत हो जाऊंगा, बात रोक रहा हूं यहीं से। मैंने अर्ज़ किया कि खैबर की वापसी में मुसलमान इस तरह खैबर से
लौट रहे थे मदीने जैसे सऊदीया से लौटने वाले लौटते हैं। मैं एक जुमले में तो बात मुकम्मल हो गई, अब किसी तशरीह की जरूरत, मैं एक जुमले में आ जाऊँगा। इस तरह लोग लौट रहे थे कि जिस तरह सऊदीया से लोग अपने घर लौटते हैं, मगर मौलाए कायनात खाली हाथ आए थे। जब मासूम आलम भी दरवाजे पे खड़ी इस्तकबाल कर रही थी, सभी ने अपना अपना इस्तकबाल किया, और जब मासूम आलम के सामने मौलाए कायनात आए, मौलाए कायनात को शहजादी ने मुबारकबाद दी कि आपको फतेह खैबर मुबारक हो, जवाब में मौलाए कायनात ने भी मुबारकबाद दी। उसके बाद ये नहीं पूछा कि आपका माल गनीमत क्या हुआ, ये नहीं पूछा। अब मौलाए कायनात कह रहे हैं कि बिनत रसूल, जिस तरह लोगों को माल गनीमत मिला था, हमें भी माल गनीमत मिला था, मगर मैं उसे कुबा के यतीमों और बेवाओं में बांट आया। मैं जुमला पहुंच रहा है, कुबा के यतीमों और बेवाओं में बांट आया, गोया हसनैन के लिए तुम फिक्रमंद मत होना, हसनैन को माल गनीमत से नहीं बाजू की कमाई से पाला जाएगा। और अजीजो, शाहजादी ने और मौलाए कायनात ने अपने बच्चों की तरबियत माल गनीमत से नहीं की, अपनी मेहनतों से पाला, अपनी मेहनतों की कमाई से पाला। मौलाए कायनात बागों में पानी भी देते हैं, रातों को आने वाले काफिलों की मजदूरी भी करते हैं। इस तरह कितना छोटा सा घर है, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं, और मौलाए कायनात ने उन्हें पाला और परवान चढ़ाया। मेहनत से पाले हुए बच्चे और होते हैं, और यही वजह है कि जब मासूम आलम ने इस दुनिया से रुखसत होने का इरादा किया तो अबुल हसन को बुलाया, या अली बैठिए, मुझे कुछ आपसे वसीयत करनी है, और तहरीरी वसीयत करनी है। बैठ गए मौलाए कायनात, बीबी फरमाए का, या अली, पहली वसीयत तो ये है कि मेरे जनाजे में मोहसिन के कातिल ना आने पाए। बस ज़्यादा और इसी रचन जुमले हैं मसाइब के, मेरे जनाजे में मोहसिन के कातिल ना आने पाए, वरना हमारी रूह को चैन ना आएगा। या अली, दूसरी वसीयत ये है कि मुझे गुस्ल आप दीजिएगा, मुझे कफन आप पहनाइएगा, मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा। मैं पूछूं, बीबी औरत को औरत गुस्ल देती है, मर्द को मर्द गुस्ल देता है, ये वसीयत आपने क्यों कर दी कि मुझे गुस्ल आप दीजिएगा? बीबी का जवाब मंजर के हवाले से ये होगा, ठहर जाओ, तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये वसीयत मैंने क्यों की है। और जब मौलाए कायनात गुस्ल देने लगे थे, चीख मारी, सलमान ने पूछा, आका, ये इस वक्त इस तरह गम उठाने की वजह क्या है? कहा, सलमान, बीवी के तीन पहलू की पसलियां टूट के कलेजे में पैवस्त थी, न जाने वो जिंदगी कैसे गुजार रही थी। शाहजादी जानती थी कि कोई और औरत गुस्ल देके इस जख्म को न बर्दाश्त कर सकेगी। अजादारों, बस बीबी वसीयतें लिखवाती गई, वसीयत लिखवाते लिखवाते बात जब मुकम्मल हो गई तो बीबी ने एक वसीयत जबानी कर दी, और ये वसीयत कोई माँ ही कर सकती है। वसीयत तो एक ही लिखाई थी कि या अली, आप मेरे बाद शादी ज़रूर कीजिएगा,
मगर एक शब्द मेरे बच्चों को भी दीजिएगा कि उन्हें यतीमी का एहसास ना हो। और अब उसके बाद जो जबानी वसीयत थी वो ये थी, या अली मेरा हुसैन, रातों को उठ के पानी पीने का आदि है, या अली जब शाम आए तो घर के बर्तनों को देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि वो खाली हो और मेरा हुसैन प्यासा रह जाए। आज़ादारो शहजादी वसीयतें करके दुनिया से चली गई। मौलाए कायनात ने बतूल को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद अब बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। अज़ादारो आखिरी दीदार करने के लिए सिर्फ चेहरा खोला जाता है, बंदे कफन नहीं खोले जाते। चेहरा खोल दिया गया, इमाम हसन आए रोए, माँ से फरियाद की, बीबियाँ आईं रोईं, शहजादियाँ माँ से फरियाद की, मगर जब हुसैन की बारी आई तो हुसैन हाथों को बांध के रुक गए। अम्मा अम्मा तेरा हुसैन इस तरह तुझे अलविदा न कह सकेगा। अम्मा माँ अम्मा अपने हुसैन को उसी तरह बुलाओ जैसे बचपने में कल तक तुम बुलाती थी, अम्मा उसी तरह बुलाओ तो तेरा हुसैन आ जाए। अम्मा कहो आ मेरे हुसैन, आ कलेजे से लग जा, बंदे कफन टूटे हाथ बुलंद हुए, आ मेरे हुसैन, आ मेरे कलेजे से लग जा। हुसैन आए माँ के बगल गिर हो गए, मगर कुछ देर बातें करते रहे। मैं पूछूं मेरे मौला अब क्या बातें कर रहे हैं, कहा मैं अम्मा से वादा ले रहा था, अम्मा आज बाबा भी है भैया भी है, मगर आपने कलेजे से लगाया। अम्मा कल करबला में मैं यक्को तन्हा होगा, अम्मा उस दिन भी बुलाऊंगा, अम्मा जाना अपने कलेजे। अला लानतुल्लाह अलल कुदस बस यालम अल्लजीन ज़लम अय्यमन क़लबिन यनक़लबून व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले इस मजलिस से अज़ा को कबूल फरमा, मरहूमा को जवार मासूमा में जगह इनायत फरमा, मुतअल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा, तमाम मोमिनीन मोमिनात जहाँ जहाँ भी उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, तमाम मोमिनीन मोमिनात की हाजात दुनियावी और उखरवी को पूरा फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब के इमाम के मोइन मददगार में शुमार फरमा। एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहुमा उम्मे फरवा साहबा बिनत सैयद मोहम्मद मुस्लिम साहब अहलिया सैयद जाफ़र हुसैन साहब की रूह को इसाले सवाब कर दें। शुक्रिया शुक्रिया बोल ही नहीं रहे। अच्छा अंजुमन अंजुमन असगरिया पुरानी बाज़ार से गुजारिश है नवा खानी वसीना जनी करे अंजुमन असगरिया पुरानी बाज़ार। हज़रात एक ऐलान समाअत फरमा लें, जैसा कि मैं बार बार ऐलान कर रहा हूँ कि 20 फरवरी इंशाअल्लाह इसी अज़ा खाने में शाम 8 बजे जश्न मौज़िन करबला के उनवान से तरही महफिल मकसदा का इनका किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान के मायाना शुराए कराम तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात से शिरकत की गुजारिश है 20 फरवरी शाम 8 बजे इसी अज़ा खाने में। अंजुमन असगरिया से गुजारिश है नवा खानी वसनत। अच्छा
हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और को पीछे या हुसैन। Yao Sen खून रसूल पाक बहाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। खून रसूल पाक बहाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। मतलब समाज करें हजरत जहां जाते शिफ फरमाए। मतलब समाज करें हजरत। खूने रसूल पाक बहाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। मतलब समाप्त करें हजरत। खूने रसूल पाक बहाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। समाप्त करें हजरत जहां जाते शिफ फरमा है। जहाँ जाते शिफ फरमा है। खत भेज कर बुलाया था जिसको ए कूफियों, बेजुर्म उसका खून बहाया है तुमने क्यों। समाप्त करें हजरत। सर काट कर सेना पे चढ़ाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। बस समाप्त करें हजरत जहां जाते शिफ फरमा है। हाय जहरा हाय जहरा। बन समाज करें हजरत प्यारे नबी के प्यारे। खुश हो रहे हो फातिमा का घर उजाड़ कर। समाप्त करें हजरत जहां जाते शिफ फरमा है। औलादे
मुस्तफा को रुलाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। समाप्त करें हजरत। हाय जहरा, हाय जहरा, खुशनू दिए यदि के खाते के सितम। खुशनू दिए यजीद की खातिर किए सितम, एक दिन में कर दिए हैं 72 के सर कलम। फिर उसके बाद लूट मचाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। समाप्त करें हजरत। जुल्मत ने रोशनी से लिया कैसा इंतकाम, औलाद मुस्तफा के जलाए गए खया। मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। हम शक्ल मुस्तफा बन समाप्त करें हजरत। हाय जहरा, शक्ल मुस्तफा पे बिखाया नहीं तरस, चश्मा है बेज़बां पे भी आया नहीं तरस।
जाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। मन समाज करें हजरात। हाय जहरा, हाय जहरा, मन समाज करें हजरात। दुश्मनी में कटा सर हुसैन का, ताराज हो गया है बरागर हुसैन का। मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। मक्ता समाज करें हजरात, मक्ता समाज करें हजरात। हाय जहर, समाज करें हजरत। जहाँ जाते शिफ़ फरमाए आसिफ, ये जुल्म चोर की क्या इंतहा न थी, असगर के सर को देख के कहता था हर कोई। मक्का समाज करें हजरत। आसिफ, ये जुल्म जोर की क्या इंतहा न थी, असगर के सर को देख के कहता था हर कोई। एक बेजबा का खून बहाने से क्या मिला, मरकद में सैयदा को रुलाने से क्या मिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।